हे गाइस, तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम डेट्स के साथ मैं जल्द ही एक वीडियो बनाऊंगा। तो यस, हमारा वीडियो रेडी है, आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं ताकि यहाँ पे आपको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की सारी डेट्स आपको मालूम चल जाए। ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग इस वीडियो का वेट कर रहे थे, इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड साथ ही साथ मैं बोलता चलूंगा कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के, ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ले लिया है। अगर आपने भी आपकी स्टडी अभी तक ठीक तरीके से नहीं हुई है तो लास्ट टाइम स्टडी के लिए आप हमारे नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स कहते हैं। कॉमर्स की पाठशाला का नाम आपने सुना होगा। आप नोट्स बाय कर सकते हैं और बाय करके सिर्फ इसके ऊपर रिलाई करके आप एग्जामिनेशन में कम से कम 70-80% आप एग्जामिनेशन में अच्छे से ला सकते हैं। बिकॉज हम लोग सिर्फ आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करते, हम लोग आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि अपने आप में सफिशियंट है। बुक्स के बाहर से तो कुछ नहीं आने वाला, क्वेश्चंस थोड़ी बहुत ट्विस्टेड होती हैं, बट स्टिल जो नोट्स हैं वो सफिशियंट हैं। उसके साथ चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर अगर आप कर लेंगे तो फिर तो उसके बाहर से तो कुछ आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो अभी से आप ले सकते हैं, आपके पास टाइम सफिशियंट रहेगा स्टडी करने का और आप अच्छे तरीके से एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर देख लेते हैं थर्ड सेमेस्टर के डेट्स के बारे में। तो आईबीओ टू का आपका जो पेपर होने वाला है वो 10 दिसंबर को होगा। आईबीओ टू का पेपर आपका 10 दिसंबर को होगा, 10 से 1 के बीच में। उसके बाद आपका एमसीओ 15 का पेपर होगा 21 दिसंबर को, 10 से 1 के बीच में, ठीक है। आईबीओ 2 के बाद आपका एमसीओ 15 होने वाला है। एमसीओ 3, एमसीओ 7 ये मैंने ऑर्डर में सजाया है, कोर्स के ऑर्डर में सजाया है, बट अगर डेट्स के हिसाब से देखा जाए तो आईबीओ 2 का पेपर आपका सबसे पहले होगा, फिर एमसीओ 15 का होगा जो कि 21 दिसंबर को होगा, फिर एमसीओ 3 होगा जो कि 26 दिसंबर को होगा, और फिर एमसीओ 7 होगा जो कि 31 दिसंबर को होगा, ठीक है। 31 दिसंबर का जो आपका एग्जाम है एमसीओ 7 का, वो 2 से 5 के बीच में होने वाला है। तो एग्जाम की टाइमिंग को भी आप ध्यान से देख लीजिए। हालांकि जब आपके पास डेट शीट आ जाएगा तो उसमें फाइनल सब कुछ रहेगा। डेट शीट जब जब आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तो फाइनली आपको पता चल जाएगा कि किस किस दिन कौन कौन सी एग्जाम्स होने वाली हैं। पर जो मैं डेट्स अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये एकदम लेटेस्ट है, इसमें किसी भी तरह का बदलाव होने की गुंजाइश बहुत ही कम है, राइट। तो इन डेट्स के साथ आप अपना स्टडी जो है इसके अकॉर्डिंग आप अपना कर सकते हो, ठीक है। कोई चेंजेस अगर होना होगा तो इग्नू आपको आपके जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो आपका हॉल टिकट आएगा, उसमें वो मेंशन कर देगी, ठीक है। सो यस, स्टडी करते रहिए। ये एमसीओ आपका एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का डेट्स रहा। एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आईबीओ 1 का पेपर आपका 9 दिसंबर को होने वाला है, 10 से 1 के बीच में, और आईबीओ 6 का पेपर जो है आपका वो 14 दिसंबर को होने वाला है, 10 से 1 के बीच में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग योर कोर्स और यू नो एनीथिंग, जस्ट कॉल मी और व्हाट्सएप मी एट माय नंबर व्हिच इज 8101065300, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।